आज हम बनाएंगे फिश टिक्का, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्राइड किया हुआ मछली की कांटे निकाल के मछली को एक बर्तन में रखेंगे। फिर हम इसको बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को मछली के साथ बहुत अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे स्लाइस ब्रेड। ब्रेड की साइड को हम निकाल के रखे थे। इसको बहुत अच्छे से हम मछली के साथ मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के मुताबिक और गरम मसाला पाउडर। इसको बहुत अच्छे से हम मछली के साथ मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम मछली को कबाब के साइज में बना लेंगे। देखिए मैंने मछली को कबाब के साइज में बना लिया है। देखिए हमारा जो कबाब है ये बन गया है। फिर हम एक कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तेल गरम होने के बाद हम कबाब के ऊपर जो ब्रेड क्रम्स है ये कवर अप कर देंगे और एक्स्ट्रा जो ब्रेड क्रम्स है वो कबाब से निकाल देंगे। फिर कबाब को फ्राई होने के लिए कढ़ाई में डालेंगे। एक एक करके हमने सारा कबाब डाल दिया है। इसको बहुत सावधानी से हमें पकाना होगा और इसको धीमी आंच में पकाएं। देखिए हमारा जो कबाब है ये बनके तैयार है। फिर हम इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए हमने टिश्यू पेपर के ऊपर रखा है। इसको आप सलाद के साथ सर्व करें।